राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां पर 25 नवंबर को मतदान होने हैं और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, हालांकि कई सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाना बाकी। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी। पिछली बार हमने बात की थी ब्यावर विधानसभा सीट की और आज हम बात करेंगे पुष्कर विधानसभा सीट के बारे में। पुष्कर को मंदिरों का शहर माना जाता है। पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तीर्थ स्थल का राजा। यह 5 तीर्थ स्थलों में से एक है। बता दें, यहाँ करीब 500 के आसपास मंदिर है और सबसे प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मा मंदिर है, जो दुनिया में ब्रह्मा को समर्पित कुछ मंदिरों में से एक है। पुष्कर झील के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, जिसमें 52 घाट है। अब यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यहाँ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने यहाँ से एक बार फिर सुरेश सिंह रावत को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ को मौका दिया है। अब अगर नजर डालें 2018 के विधानसभा चुनाव पर, तो सुरेश सिंह रावत और नसीम अख्तर इंसाफ दोनों ही यहाँ 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं, जहाँ सुरेश सिंह रावत ने 9389 मतों के भारी अंतर से नसीम अख्तर इंसाफ को हरा कर जीत दर्ज की थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस नेत्री नसीम अख्तर इंसाफ को 75,471 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी नेता सुरेश सिंह रावत ने 84,860 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। अब बात करें पुष्कर में जातीय समीकरण की, तो यहां 2,31,000 के आसपास मतदाता हैं। पुष्कर विधानसभा सीट पर रावत मतदाताओं का दबदबा है। मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटर्स भी यहां प्रभाव रखते हैं और उसके बाद ब्राह्मण, गुजर, राजपूत और वैश्य वोटर्स भी यहां काफी संख्या में है। इस बार पुष्कर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक और विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।